दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। नालंदा में लगातार 3 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ा के अनुसार चंडी और क्राइपर सुराय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। चंडी में 5, क्राइपर सुराय में 1, तो अस्थामा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये सभी लोग हाल ही में अन्य राज्यों से वापस लौटे हैं। अस्थामा में इसके पहले भी 2 कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। नालंदा में अब कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 50 पहुंच गई है। हालांकि इनमें 36 लोग ठीक हो चुके हैं। डीपीएम ज्ञानेंद्र शेखर ने बताया कि रविवार की शाम में 55 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई है। इसमें 11 लोग पॉजिटिव मिले हैं, उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के आने की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही संक्रमित की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सभी संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं जो संबंधित प्रखंडों के क्वारंटाइन में रखे गए हैं। क्वारंटाइन में रखने के दौरान इन लोगों का रैंडम सैंपल जांच में भेजा गया था। बताते चले कि पिछले 2 दिनों में 3 और प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। सभी को बिहार शरीफ आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। जिले में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर काम कर रहा है। जिला प्रशासन 250 का नया आइसोलेशन सेंटर डीएवी पावर ग्रिड परिसर में और बनाने जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट करके जवाब दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ के नाम हैं: तरन्नुम नाज, दिवाकर कुमार, नीतीश कुमार, अभिजीत कुशवाहा, गुरुदीप कुमार, अमन राज। इनके अलावा और भी यूजर्स ने कमेंट करके जवाब दिया था, समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, जब मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है तो पैदल सफ़र करना मजबूरी है या ज़रूरी? हमारे इस कॉमेंट बॉक्स में जवाब दें, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।